सब्सक्राइब कीजिए टॉकीपीडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टॉकीपीडिया चैनल। दोस्तों आपने अंडे को बॉईल करके खाया होगा, उसको ऑमलेट बना के खाया होगा, फ्राई करके खाया होगा, लेकिन क्या आपने उसको फ्रीज करके खाया, फ्रिज में उसको जमा करके खाया? अचानक मुझे ये थॉट आया जब मैं बॉईल कर रहा था अंडे को कि क्या इसको फ्रीज करने के बाद मैं खा सकता हूँ या नहीं, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। ये रहे वो दोनों एग्स, अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। दोस्तों एक घंटा हो चुका है, अब हम देखते हैं इन दोनों अंडों का क्या हाल है। दोस्तों यहाँ पे चार अंडे हैं, जिनमें से एक अंडा नॉर्मल है, एक अंडा बॉइल्ड किया हुआ है और दो अंडे फ्रीज किए हुए हैं। तो आप गेस करो कौन सा क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, ये है वो नॉर्मल अंडा, ये है बॉइल किया हुआ और ये दोनों है फ्रीज किए हुए। अब हम नॉर्मल अंडे को हटा देते हैं, अब देखेंगे बॉइल्ड अंडे और फ्रीज अंडे को छील के कि कैसा दिखता है। दोस्तों यह है फ्रीज अंडा जिसको हम छील रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन बहुत ही हार्ड है, ये आसानी से छिल गया। और ये है बॉइल्ड एग। आप देख सकते हैं बॉइल्ड एग और फ्रीज एग में कितना डिफरेंस है कलर वाइज। अब इसको हम काट के देखते हैं। एज एक्सपेक्टेड बॉइल्ड एग आसानी से कट गया। अब हम फ्रीज एग को काट के देखते हैं, काफी फोर्स लग रहा है। और ये रहा फ्रीज एग, इसका व्हाइट वाला पोर्शन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है और येलो वाला पोर्शन येलो। आप देख सकते हैं दोनों का क्रॉस सेक्शन व्यू कैसा दिख रहा है। अब हम इस कटे हुए फ्रीज एग को फ्राई पैन पे रखेंगे, देखते हैं गर्म होने पे कैसा होता है। कंपैरिजन के लिए हम बॉइल्ड एग को भी यहां रख देते हैं। चिपक ना जाए इसके लिए हम इसको थोड़ा तो ये है दूसरा वाला फ्रीज एग, इसको मैं कटोरी में रखता हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे और थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका क्या हालत होता है। दोस्तों मैंने दोनों एग्स को फ्राई पैन से उतार लिया है, ये था वो फ्रीज एग और ये था बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग जैसा डाला था वैसा ही है, फ्रीज एग अब हाफ फ्राई बन चुका है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो मैंने फ्रीज एग कटोरी में रखा था नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कुछ इस तरह से दिखता है, ऑलमोस्ट पिघल चुका है। अब हम इसको करते हैं हाफ फ्राई। दोस्तों लगभग दो मिनट के बाद ये इस तरह से हो गया है, तो यहाँ पे होता है हमारा एक्सपेरिमेंट फिनिश। तो दोस्तों आपने देखा मैंने अंडे को फ्रीज करके उसको फ्राई करके खाया, मुझे थोड़ा सा डर था कि कुछ हो ना जाए मुझे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यही था वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए टॉकीपीडिया चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।